नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने रेलवे का फॉर्म भरा है RRB जेई रेलवे ग्रुप डी एंड NTPC तो पल पल की अपडेट खबर पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी नई सूचना आपको सबसे पहले मिले। जी हाँ दोस्तों, आज का एग्ज़ाम जो RRB जेई का आज का एग्ज़ाम जो हुआ है 22/5 का कैंसिल कर दिया गया है। आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा RRB ने ऑफिशियली ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, यहाँ पर सब्जेक्ट नोटिस रिगार्डिंग कैंसिलेशन ऑफ CBT1 ऑफ CEN3 2018 ऑन 22/5/2019। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्लियरली स्क्रीन के ऊपर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा 22/5 का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया है, सेंटर कोड 409 का, देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है। जिनका एग्ज़ाम सेंटर कोड 409 है उनका एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया है, फिर से रीशेड्यूल्ड होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा ये लिख दिया गया है, ये जो पूरा लाइन लिखा गया है इसका मैं मीनिंग आपको बता दे रहा हूँ। देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे जो इंग्लिश में लिखा गया है इसका मीनिंग ये है कि जो 22/5 यानी कि आज जो एग्ज़ाम हुआ है कोलकाता में, यहाँ पर देख सकते हैं चेयरमैन सबसे नीचे में, यहाँ पर देख सकते हैं मैं दिखा दे रहा हूँ चेयरमैन RRB कोलकाता। जी हाँ दोस्तों, RRB कोलकाता जो है वहाँ पर जिनका एग्ज़ाम आज हुआ है फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट में, उनका एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया है RRB ने कोई टेक्निकल फॉल्ट के कारण। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ दिख रहा होगा ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम CBT1 एग्ज़ाम ऑन 22/5/2019 बोथ फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट ऑफ CEN3 2018 ऑन कंसोल मैनेजमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड सेंटर कोड 409 हैज़ बीन कैंसिल्ड। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है कैंसिल कर दिया गया है आज का एग्ज़ाम 22/5 आज डेट है, आज जो एग्ज़ाम हुआ है RRB कोलकाता में, ठीक है, उसका एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया है RRB के द्वारा कोई टेक्निकल इश्यू के कारण, फिर से आपका एग्ज़ाम रीशेड्यूल्ड होगा। जिनका भी एग्ज़ाम शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट था उनका एग्ज़ाम फिर से रीशेड्यूल्ड होगा, दोबारा आपका एग्ज़ाम होगा। आपके ईमेल आईडी और मोबाइल पर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, नए एग्ज़ाम जो डेट आएंगे आपको फिर से दिख जाएंगे कब आपका एग्ज़ाम होगा। देख सकते हैं ये क्लियरली यहाँ पर लिखा गया है सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंट कॉज, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है। देख सकते हैं ये पूरी लाइन आप पढ़ लें, मैं आपका ये पूरा जो लाइन है इसका मैं मीनिंग आपको बता दिया हूँ कि यहाँ पे ये लिखा गया कि CBT1 का जो एग्ज़ाम शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 में जो कोलकाता RRB कोलकाता में एग्ज़ाम हुआ है आज, सेंटर कोड यहाँ पे दिया गया है 409। जिन बच्चों का एग्ज़ाम RRB कोलकाता में होगा उनको पता होगा सेंटर कोड क्या है, कितने सेंटर कोड में उनका एग्ज़ाम था। 409 सेंटर कोड का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया है RRB के द्वारा, ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आपको स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा दे रहा हूँ, आपको अगर भरोसा नहीं है तो आप RRB कोलकाता ओपन करें और CEN3 2018 में जाके चेक कर सकते हैं, इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करें, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।